सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ गिरीश। आज दोस्तों मैं आपको ब्लेंडर 2.8 में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऐड कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट हम कैसे ऐड करेंगे और उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना हो, देन उस ऑब्जेक्ट को एडिट करके उसके वर्टेक्स को डिलीट करेंगे, एज को डिलीट करेंगे। यानी आज हम किसी भी ब्लेंडर में ऑब्जेक्ट को ऐड करना और उसको डिलीट करना सीखेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को डिलीट करना सीखेंगे, उसके सब ग्रुप को डिलीट करना सीखेंगे। तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर में आप यहाँ पे ऐड में जाएंगे और दो मेथड है दोस्तों ब्लेंडर में किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए। तो आप जो ऑब्जेक्ट को ऐड करने की दो मेथड है, एक तो सिंपल आप यहाँ ऐड में चले जाइए और यहाँ मैश में जाएंगे आप। तो यहाँ से जितनी भी ये सारी चीज़ है वो सब कुछ आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऐड में गया, मैश में गया, जैसे मुझे यहाँ पे भी चाहिए यू स्पीयर, तो सिंपल यहाँ पे आप यू स्पीयर ऐड हो गया। इसको हम मूव करेंगे, मूव करने के लिए जी है, जी प्रेस करेंगे, देन मूव टूल एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हम वाई प्रेस करेंगे, यानी कि मुझे मूव करना है वाई एक्सिस में, तो ये वाई एक्सिस हो गया। मिडल माउस में प्रेस करूँगा और यहाँ से रोटेट कर दूंगा। दूसरा एक मुझे ऑब्जेक्ट ऐड करना है, ऐड मैश, यहाँ से करेंगे हम कॉन, जी प्रेस करेंगे, एक्स एक्सिस पे मैं मूव करूँगा, एक्स एक्सिस पे चला गया। देन अब दूसरा मेथड हम सीखेंगे दोस्तों, इसका शॉर्टकट है ऐड का, शिफ्ट होल्ड ए, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस ए प्रेस करेंगे और यहाँ से हमें ऐड का जो टैब है वो एक्टिव हो जाएगा। और मुझे अभी ऐड करना है ट्रोनस, ट्रोनस मैंने ऐड किया, जी प्रेस करेंगे, वाई एक्सिस में प्रेस करना है, यहाँ से मैंने ट्रोन से ऐड कर दिया। तो इस तरह से आप शिफ्ट ए प्रेस करो, शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद यहाँ से आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब तक आपने कोई भी 3D सॉफ्टवेयर अगर यूज़ किया है तो आपको पता चल ही जाएगा कि सब कुछ हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक नई चीज़ है, वो है मंकी। मंकी जो है दोस्तों वो ब्लेंडर में इसलिए दिया है, जैसे 3D मैक्स में आप किसी भी चीज़ का अगर आपको टेस्टिंग करना है, रेंडरिंग का, टेक्सचरिंग का, मटेरियल का, लाइटिंग का, तो आप सिंपल एक ऑब्जेक्ट उन्होंने बनाया है उसके ऊपर ही आप एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी वो मैंने ऐड किया है, यहाँ मैश में जाएंगे, एक्स्ट्रा में जाएंगे, तो यहाँ पे सिंपल वो आपको दिखाई देगा, टी पोर्ट, तो यहाँ पे वो टी पोर्ट है। इस पे भी ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, एड ऑन इसका मैंने ऐड किया है दूसरे ऑब्जेक्ट का। तो ब्लेंडर में यहाँ पे ये मंकी दिया है, जो बेसिकली इन्होंने इसलिए दिया है कि ताकि आप उस पे रेंडरिंग, लाइटिंग, टेक्सचरिंग, मटेरियल का आप एक्सपेरिमेंट कर सको, उसके लिए ये एनिमेशन का एक्सपेरिमेंट कर सके, इसके लिए ये ब्लेंडर में दिया हुआ है, ठीक है। और हमें कोई भी लाइट ऐड करना है, हमें टेक्स्ट ऐड करना है, मेटाबॉल ऐड करना है, सरफेस ऐड करना है, कर्व्स ऐड करना है, बेजियर ऐड करना है, तो भी हम यहाँ से ही ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बेजियर आ गया है मेरा, ठीक है, बेजियर से ही आप ऐड कर सकते हैं। और इसको ऐड करने के लिए आप ऑब्जेक्ट की जगह मुझे एडिट करना है तो एडिट मोड में जाना पड़ेगा, एडिट मोड में जाएंगे, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, सिंपल ए प्रेस करेंगे तो ये एक्सट्रूड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे करना है, बाय इन डेप्थ में हम देखेंगे। ई प्रेस किया मैंने, एक्सट्रूड हो गया, ये बेजियर को एक्सटेंड कर सकता है ऐसे, ठीक है। इस हैंडल को आप मूव कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को आप मूव कर सकते हैं, एक वर्टेक्स को आप मूव कर सकते हैं और इसको डिलीट करेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो डिलीट का ऑप्शन आएगा। वर्टेक्स डिलीट करना है, सिंपल सेगमेंट डिलीट करना है तो सेम सेगमेंट डिलीट हो जाएगा। अगर मैं वर्टेक्स पे क्लिक करूँगा तो वर्टेक्स जो है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब एडिट मोड में से बाहर मुझे निकलना है तो टैब प्रेस करना है, एक बार टैब प्रेस करेंगे तो एडिट मोड में जाएंगे, दूसरी बार टैब प्रेस करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। अब हम दूसरा एक यहाँ पे हम बॉक्स ले लेते हैं, इसको एडिट करते हैं। अब इसमें से मुझे सपोज ये वर्टेक्स जो है उसको डिलीट करना है, तो यहाँ से डिलीट पे मैं प्रेस करूँगा तो इतने ऑप्शन आ रहे हैं, उसमें आपको वर्टेक्स को डिलीट करना है। सिंपल वर्टेक्स जैसे आप डिलीट करेंगे तो उसने इसके साथ जितने भी कनेक्टेड थे वो सारे एजेस थे जो इसके साथ जॉइंट थे उसको भी वो डिलीट कर देगा। उसी तरह हम एज पे क्लिक करेंगे तो इसके साथ जो कनेक्टेड एज है उसको वो डिलीट करेगा। उसके बाद मुझे फेस डिलीट करना है, तो फेस डिलीट नहीं हो रहा है, ओनली एज एंड फेस, तो भी नहीं हो रहा है।
यहाँ पे ओनली फेस तो भी नहीं हो रहा है, यानी कि अगर आपने वर्ड टेक्स्ट सिलेक्ट किया है तो आप वर्ड टेक्स्ट को ही डिलीट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे एज सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ डिलीट कर रहा हूँ एज, सिंपल डिलीट मैंने किया यहाँ पे एज, तो उसके साथ जितनी भी कनेक्टेड थी एज वो सारी डिलीट हो गई। उसके बाद मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे वर्ड टेक्स्ट, तो जो उसके साथ जितनी भी उस एज के साथ जितनी भी कनेक्टेड वर्ड टेक्स्ट थे उन सबको उसने डिलीट कर दिया। उसी तरह दोस्तों फेस में होगा, जैसे मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ और फेस पे क्लिक करूँगा तो खाली फेस सिलेक्ट हो रही है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे ओनली एज एंड फेस डिलीट कर रहा हूँ तो ओनली एज एंड फेस डिलीट हो जाएगा, उसके जो वर्ड टेक्स्ट है वो डिलीट नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे वर्ड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वर्ड टेक्स्ट यहाँ पे है अभी। तो ये डिलीट मेथड है पूरी ब्लेंडर की, ये आपको देखनी पड़ेगी एक बार। जैसे मैं यहाँ मुझे सिर्फ वर्ड टेक्स्ट चाहिए और एज चाहिए, फेस नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा डिलीट पे जाऊँगा और डिलीट पे जाके मैं ओनली फेस पे क्लिक करूँगा तो जो इसकी जितनी भी फेस है वही सिलेक्ट होगी, डिलीट हो जाएगी, एजिस और वर्ड टेक्स्ट जो है वो डिलीट नहीं होंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दिया है ब्लेंडर में कि आपको सारी फेसेस डिलीट कर देनी लेकिन एज और वर्ड टेक्स्ट नहीं डिलीट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे अभी मैंने बताया आपको, सिंपल आप सारी फेस ए सिलेक्ट करो, ए प्रेस करो और सारी फेस सिलेक्ट कर दो, देन राइट क्लिक करो, डिलीट पे चले जाओ यहाँ से डिलीट, और यहाँ पे फेस करनी है ओनली फेस एंड फेस करनी है, एज एंड फेस करनी है ओनली फेस करनी है, डिजोल्व वर्ड टेक्स, तो डिजोल्व यानी कि डिजोल्व हो जाएगा वहाँ से वर्ड टेक्स, वहाँ पर है लेकिन दिखेगा नहीं आपको, डिजोल्व हो जाएगा, कुछ इस तरह का ऑप्शन दिया है इसमें। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे दिया है डिजोल्व एज, डिजोल्व फेस, उसी तरह आप फेस को भी डिजोल्व कर सकते हैं, उसी तरह आप एज को भी डिजोल्व कर सकते हैं। अभी मैं एज को यहाँ से डिजोल्व कर रहा हूँ तो ये एज डिजोल्व हो जाएगी मेरी। ठीक है, वहाँ पे है लेकिन आपको दिखेगी नहीं, जैसे हम वर्ड टेक्स्ट मोड में जाते हैं तो आपको दिखेगी नहीं, वहाँ पे है वो। ठीक है, ये कुछ डिलीट के ऑप्शन थे। उसके बाद लिमिट डिजोल्व लिखा है, एज कोलैप्स लिखा है, जितनी भी एज है उसको कोलैप्स कर देगा। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे एज लूप, यानी कि जो जितनी भी इसकी लूप में आ रही है वो सारी जो है वो डिलीट हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे अभी रखा, इस एज को मैंने सिलेक्ट किया, डिलीट में गया, यहाँ से दे दिया मैंने एज लूप, तो उसके लूप में जितनी भी थी वो सारी क्या हो गई, डिलीट हो गई। जैसे मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ एक एज, एक एज और एक एज, राइट क्लिक किया मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया एज लूप्स, तो जितनी भी एज थी लूप्स में वो सारी डिलीट हो गई। ठीक है, तो दोस्तों एडिट मोड में इतने ऑप्शंस हैं, बाकी तो मैंने आपको बता दिया, सिंपल आप डिलीट करो यहाँ से, सिलेक्ट एंड डिलीट, सिलेक्ट एंड डिलीट, सिलेक्ट एंड डिलीट, सिलेक्ट एंड डिलीट, और आपको ऐड करना हो तो सिंपल आप ऐड में चले जाओ और इसका शॉर्टकट है शिफ्ट ए, यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हो ऑब्जेक्ट। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हम देखेंगे सर दोस्तों ऑब्जेक्ट एंड एडिट मोड। जैसे अभी हमने थोड़ा बहुत एडिट मोड देखा और ऑब्जेक्ट देखे, उसको हम इन डेप्थ में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।